आपके साथ। आधार कार्ड में अवैध वसूली के मामले में विभाग ने अपनी सफाई पेश की, कहा कि केंद्र में नए आधार के पंजीकरण के लिए निःशुल्क भुगतान है, जबकि संशोधन के 25 रुपए लगते हैं। आधार बनाने में 100 से 150 तक के अवैध वसूली का मामला आया था। इन दिनों गांव से आने वाले लोगों के लिए आधार पंजीकरण में अवैध वसूली एक बड़ी समस्या थी। सूचना है कि आधार द्वारा बनाए गए केंद्र के अलावा आधार पंजीकरण के लिए निजी तौर पर कैफे संचालक लगभग 100 से 150 रुपए की अवैध वसूली करते हैं। जिन लोगों को आधार के बारे में जानकारी नहीं है, उनसे नए पंजीकरण पर 100 रुपए लेते हैं, जबकि आधार में संशोधन के लिए 150 रुपए वसूली करते हैं। इस मामले में SDN न्यूज ने शहर के प्रधान डाकघर स्थित आधार केंद्र पर बातचीत की। प्रधान डाकघर के वरीय पद पर बैठे BL मिश्रा जी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आधार द्वारा बनाए गए केंद्रों से इस तरह की कोई भी वसूली नहीं की जाती। नई पंजीकरण को निशुल्क किया जाता है, जबकि संशोधन के लिए 25 रुपए लगते हैं, जिसका भुगतान GST जोड़कर बिल दिया जाता है। GST जोड़ने के बाद बिल करीब 30 रुपए का बनता है, उससे अधिक शुल्क नहीं लिया जाता। यदि इस तरह का कोई अवैध शुल्क लेता है तो वह गैर संवैधानिक है। SDN न्यूज के माध्यम से आम जनता को यह अपील भी किया गया है कि कोई अवैध वसूली करता है तो उनसे आधार ना बनवाए, बल्कि आधार द्वारा निर्धारित किए गए केंद्र पर आधार बनवाए। अगर इस तरह की कोई अवैध वसूली का मामला सामने आता है तो विभाग उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। यहाँ डाकघर में कहीं और किसी को एक पैसा नहीं लग रहा है। जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है संशोधन का 25 रुपया और इनरोलमेंट नया का निःशुल्क बन रहा है, और यहाँ पर नहीं है। अगर कहीं पर बात हो रही है तो लोगों से हम अपील करेंगे कि डाकघर आइए, हर जगह उपलब्ध है। पूर्णिया प्रमंडल में 22 डाकघरों से यह सुविधा दी जा रही है, लोग उसका उपयोग करें और कहीं भी दलाल और किसी के फेरा में मत पड़े। सर, अगर ऐसी सूचनाएं आती है, मिलती है और वो लोग सामने नजर भी आते हैं, हाँ, ऐसे वसूलते हुए, तो क्या विभाग इसके लिए एकदम अगर जहां भी थोड़ा सा भी आपको मिल जाए आप हमको सूचना दीजिए, हम लोग कार्रवाई उस पर करेंगे। कहीं का भी हो, मैंने अभी तक कहीं नहीं आया है और हमारा प्रयास भी रहेगा कि आए नहीं। कहीं का भी होगा, अगर है आप थोड़ी सी भी जानकारी दीजिएगा, हम लोग उसको एकदम कड़ी कार्रवाई होगी और पब्लिक को कभी दिक्कत नहीं। सर, ये जनता जानना चाहती है कि इसका वास्तविक मूल्य कितना है, संशोधन का और नया? हाँ, संशोधन का 25 रुपया है और नया जो बनेगा उसका कुछ नहीं लगना है, कोई फीस नहीं लगना है। और अभी तक जो भी हो रहा है हम लोग उसका रसीद पब्लिक को देते हैं। 25 रुपया अगर लेते हैं, 25+5 GST, 30 रुपये का रसीद उनको दिया जाता है, और नया में तो खैर कोई रसीद नहीं है, मतलब कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, एकदम उसी में लोगों को मिल भी जाता है उसका रसीद पे। धार बनवाने के लिए आया तो आपसे कोई शुल्क लग रहा है? नहीं, बाहर में ऐसी कोई मांग की गई थी? हाँ, की गई थी। क्या बोला गया? तो वाल बोला गया था यहाँ अति करने के लिए 100 रुपये लगेगा। 100 रुपये? हाँ। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि डाकघर में या फिर और भी केंद्र में पैसे नहीं लगते? नहीं, आज से 6 महीना पहले ही पूछे थे। ठीक, तो सब बंद हो गया, बोला डाक पोस्ट ऑफिस से जाना पड़ेगा। अभी जब आप जाते हैं नए जगहों पर तो क्या वहाँ पैसे मांगे जाते हैं? नहीं, वहाँ बंद हो गया, वो बंद ही कर दिया। हाँ, बंद कर दिया गया। यहाँ कोई सुविधा, मतलब कोई दिक्कत होती है यहाँ पर बनवाने में? नहीं, पहली बार आए, कोई दिक्कत नहीं। सब चीज़ सही से हो रहा है?